हेलो एवरीवन, यूनिट टू पेज नंबर 27। आओ देखें जूली का जादू। गांव के मेले में एक बार पांच तरह के तमाशा दिखाने वाले लोग आए। पांच तरह के तमाशा दिखाने वाले, वो तमाशे कौन कौन से थे वो यहाँ पर दिया हुआ है। चार दिन मेला चला। किस खेल को कितने लोगों ने देखा, यह प्रत्येक खेल के नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पर हरेक के साथ लोगों की संख्या दी हुई है। घोड़े की करामात कितने लोगों ने देखा, 4,560 ने। कलाकार ने दिखाए कर्तव्य, ये देखा 5,980 ने। जोकर का जादू देखा 3,840 ने। हाथी का कमाल देखा 6,400 लोगों ने। और जोली का जादू देखा 7,700 लोगों ने। तो यहाँ पर ये सारे जो कर्तव्य हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, और इनकी संख्याओं को देखकर ये बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो यहाँ पर है घोड़े की करामात 4,560 लोगों ने देखी थी, और जोकर का जादू देखा था 3,840 लोगों ने। तो कौन सी संख्या बड़ी है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 4,560 बड़ी है ना। तो यहाँ पर हम बड़ी संख्या की साइड निशान का मुंह खुला छोड़ते हैं। हाथी का धमाल देखा 6,400 लोगों ने, और जूली का जादू देखा 7,700 लोगों ने। तो कौन सी संख्या बड़ी है, 6,400 या 7,700? तो 7,700 है यहाँ पर। तो बड़ी संख्या की ओर हम निशान का मुंह खुला छोड़ते हैं। कलाकार ने दिखाए कर्तव्य 5,980 लोगों ने, और घोड़े की करामत देखी 4,560 लोगों ने। तो यहाँ तो 5,980 है, यहाँ 4,560 है। तो कौन सा बड़ा है, 5,980। हमेशा बड़ी संख्या की ओर निशान का मुंह खुला रहेगा। अब है खिलाड़ियों द्वारा एक वर्ष में बनाए गए रन। यहाँ पर खिलाड़ी दे रखे हैं और एक साइड इनके द्वारा बनाए गए रन दिए हैं। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगले पेज पर है। एक शतक में 100 रन होते हैं, ये तो हमने थर्ड क्लास में भी पढ़ा था ना, और बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे इससे रिलेटेड, है ना। एक शतक में कितने रन होते हैं, 100। इससे रिलेटेड हम अगले पेज पर इसके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज्यादा रन डैश ने बनाए, तो सबसे ज्यादा रन किसने बनाए यहाँ पर देखना है। ये अगर हम सूची देते हैं देखते हैं तो 1,280, 1,990, 1,620, 1,520, 1,780 और 1,050, 1,410, 1,120 और यहाँ पर है 4,000। तो यहाँ पर 4,000 तो किसी ने बनाई नहीं, सबका क्या है 1,000 में ही है। यहाँ पर 990 है, तो 4,000 सबसे ज्यादा है इसमें। तो यहाँ पर हम किसने बनाए हैं, ये नवीन ने। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे ज्यादा रन नवीन ने बनाए। सबसे कम रन, सबसे कम देखना है अभी। यहाँ पर देखते हैं सूची को, तो सभी चार अंकों की संख्याएं हैं, तीन अंकों में ये आई हुई है 990। तो ये सबसे कम हुआ, तो 990 किसने बनाए हैं, अखिलेश ने। तो यहाँ पर सबसे कम वाले में हम क्या लिख देंगे, अखिलेश। डैश ने 10 शतक बनाए, 10 शतक। पहले तो यहीं पर हम देख लेते हैं 10 और शतक कितने होते हैं, 100 का होता है। तो 10 को और 100 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1,000। तो 1,000 रन डैश ने 10 शतक बनाए। 1,000 रन किसने बनाए हैं, अभी देखते हैं। 1,000 रन किसने बनाए हैं, अंकित ने। यहाँ पर लिखा हुआ अंकित ने 1,000 रन बनाए। तो यहाँ पर 10 शतक में कितने होते हैं, 1,000 रन। यहाँ पर हम लिख देंगे अंकित ने। फिर है डैश और डैश के रनों में 100 का अंतर है। किस और किस के रनों में 100 का अंतर है, 100 का डिफरेंस देखते हैं किसके रनों में है। यहाँ पर आप देखोगे तो 1,620 है और यहाँ पर 1,520 है। अगर हम 1,520 में 100 और जोड़ दें
तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0261, 1620। यहां पर आ रहा है 100 जोड़ने पर 1620, तो किस और किसके बीच में 100 का डिफरेंस है, निखिल और शुभम। यहां पर हमें क्या लिखना है, निखिल और शुभम। आगे है, मैं एक परी हूं, मेरे हाथ में चांदी की छड़ी है, मैं आसमान में रहती हूं, तारे मेरे दोस्त हैं, मैंने कुछ तारों को अपने घर दावत पर बुलाया और तारे 4 समूह बनाकर मेरे घर आए, पहले समूह में 10,000, दूसरे समूह में 40,000 और तीसरे समूह में 25,000 व चौथे में 50,000 तारे थे। हम सब ने मिलकर खूब मजा किया। मेरी छड़ी ने दावत में आए तारों की संख्या को बढ़ते क्रम में लगाने में मेरी मदद की। तो यहाँ पर जो भी ये समूह में आए थे तारे, इनकी संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाना है, यानी कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। बताएं क्या मेरी छड़ी ने सही मदद की है? तो ये हाँ, यह तो आरोही क्रम बन गया। तो बढ़ता क्रम को क्या कहते हैं, आरोही क्रम, बढ़ते क्रम को क्या कहते हैं, आरोही क्रम। तो ये सही है। हाँ, आओ नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम अभी बताया कौन सा होता है, बढ़ता क्रम, और बढ़ते क्रम में पहले कौन सी संख्या आएगी, छोटी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। तो यहां पर दिया गया है, इन संख्याओं को पढ़ते हैं, 10,555, 20,555 और 17,000। अगर हम इनको बोल के देखें या हम इनके ऊपर इकाई दहाई लिख के देखें तो इन संख्याओं को पढ़ने में आसानी भी रहेगी। अगर हम देखते हैं 10,000, 20,000 और 17,000 ऐसे भी पढ़ते हैं तो भी बोलने से पता लग रहा है कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो सबसे छोटी कौन सी संख्या है, 10,000, 20,000 या 17,000? तो 10,555, उसके बाद 17,000, उसके बाद 20,555। आगे है, 15,545, 10,238, 40,670। फिर से मैं 10,000 वाली संख्याओं को, हजार और 10,000 वाली संख्याओं को एक बार बोल के देखती हूँ, 15,000, 10,000 और 40,000। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी लग रही है, 15,000 वाली, 10,000 वाली या 40,000 वाली? 10,000 वाली है ना। तो 10,238 और फिर 15,545, 15,545, फिर 40,670। आगे है 999, 99,999 और 9,999, 999, 9,999 और 99,999। तो पहले ये 3 अंकों की है, ये 4 अंकों की है, ये 5 अंकों की है, ऐसे भी हम पता लगा सकते हैं इसमें। तो सबसे छोटी संख्या है 999, फिर 9,999 और फिर 16,270, 70,400, 80,200, 15,470। तो इसमें हम 10,000 वाले संख्याओं को पढ़ते हैं, 16, 70, 80 और 15। तो सबसे छोटा अंक कौन सी संख्या दिखाई दी, 15 है ना। तो 15,470, फिर 16,270, 70,400 और फिर उसके बाद 80,200। आगे है, एक गांव में विकास कार्य करवाए गए, भवन, शौचालय, नाली आदि के निर्माण में लगाई गई ईंटों की संख्या नीचे दी गई है। ये निर्माण कार्य, नाली बनवाई गई 10,000 ईंटों से, पुस्तकालय 25,000 से, शौचालय 20,500 से और स्कूल भवन 1,00,000 ईंटों से। तो इनसे रिलेटेड अभी आगे पढ़ते हैं,
सबसे अधिक ईंटें स्कूल भवन के निर्माण में लगी हैं, राजू कहता है। मीना कहती है, हाँ राजू, उससे कम ईंटें पुस्तकालय के निर्माण में लगी हैं। राजू, पुस्तकालय के निर्माण से कम ईंटें शौचालय के निर्माण में तथा सबसे कम ईंटें नाली के निर्माण में लगी हैं। मीना, गांव के विकास कार्य में इस क्रम में ईंटें लगाई गई हैं। ये 1 लाख ईंटें कहाँ लगाई गई हैं? स्कूल भवन में, और 25,000 लगाई गई हैं पुस्तकालय में, 20,500 लगाई गई हैं शौचालय में, और 10,000 लगाई गई हैं नाली में। इन्हें अवरोही क्रम में लिखें। ये अच्छा, यहाँ पर ये बनी बोलता है, यह तो अवरोही क्रम बन गया। अब देखो, यहाँ पर 1 लाख, 25,000, 20,500 और 10,000। तो यहाँ पर पहले बड़ी संख्या लिखी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो ये कौन सा होता है? अवरोही क्रम। कौन सा होता है? अवरोही क्रम, यानी कि घटता क्रम। अवरोही क्रम कौन सा होता है? घटता क्रम। तो इन्हें अवरोही क्रम में लिखें। ये संख्याएं दे रखी हैं, 82,415, 48,512, 82,145। आप यहाँ पर देखते हैं, हजार और 10,000 की संख्याओं को पढ़ते हैं, 82, 48, 82। तो यहाँ पर हमने देखा कि 82 और 82 सेम है, एक जैसे हैं। तो यहाँ पर 415 है, यहाँ पर 145 है। तो कौन सी बड़ी संख्या होगी? 415। तो इसको हम पहले लिखते हैं, 82,415, उसके बाद 82,145, और उसके बाद 48,512। नेक्स्ट है 9,859, 836, 15, 38,211। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 अंकों की संख्या है, यहाँ 3 अंकों की है, यहाँ 4 अंकों की है, यहाँ 5 अंकों की है। यहाँ तो अपने आप पता चल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 38,211, जो कि 5 अंकों की संख्या है। उसके बाद कौन सी आएगी? 4 अंकों की संख्या, 9,859, और उसके बाद 3 अंकों वाली संख्या, 836, उसके बाद 2 अंकों वाली संख्या, 15। फिर है 11,225, 58,675, 21,576, 47,861। इनको हम ये हजार और 10,000 वाले अंकों को मिलाकर देखते हैं, क्या संख्या बनती है? 11, 58, 21 और 47। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 58 वाली, 58,675। फिर 47 वाली, 47,861। फिर 21 वाली, 21,576, और फिर 11,225। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये संख्या रेखा दे रखी है, इन पे हमें संख्याएं दर्शानी है। संख्या 5200 को तीर के निशान द्वारा दर्शाएं। यहाँ पर 5200 है, देखिए 5200 है, तो 5000 वाले के पास चलते हैं। यहाँ पर 5000 है, तो 5000 के बाद ये 5100, ये 5200, तो ये लगा रखा है पहले ही। संख्या 62800 को तीर के निशान द्वारा लगाएं। तो 62000 है, तो 62000 के पास चलते हैं, ये है, तो 62000 के आगे कितना है? 800। तो यहाँ पर निशान है 100, 100 के अंतर पर है, तो हमें 800 तक चलना है। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, ये हो गया। तो यहाँ पर इसको लंबा करना है और एरो बना देना है, ऐसे। ये हो गया 62,800। फिर है 3800 को तीर के निशान द्वारा दर्शाएं। 3800, तो 3000 के पास चलते हैं, ये हमारा 3000 है, तो 800, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, ये हो गया 3800। फिर आगे है, तीर के स्थान पर कौन सी संख्या है? यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर तीर लगाया हुआ है, तो कितनी है? 6000 है यहाँ पर, 6000, 100, 200, 300, 400, 500। तो यहाँ पर कौन सी है? 6500।
कौन सी संख्या है? 6500। फिर है तीर के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? देखते हैं, ये 56,000 है, तो 56,000 के बाद 56,100, 56,200, 56,300, 56,400, और ये हो गई 56,500, ये संख्या है। तो आपको भेजे हुए असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी कि आरोही और अवरोही वाले और संख्या रेखा पर संख्या दर्शाना के पांच पांच क्वेश्चन सेंड किए गए हैं। आप उनको नोटबुक में सॉल्व करके मुझे भेजेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें।